जय जय राम सच्चिदानंद भगवान की सनातन धर्म की आज मन करता है कि आपसे कुछ पूछूं कभी भी जब आपको आनंद मिलता है किसी भी जगह किसी भी परिस्थिति में उस समय आपको लगता है कि मेरा जीवन सफल है उस समय हम आगे पीछे को भूल जाते हैं आनंद की प्राप्ति बहुत अच्छी लगती है सबसे अधिक प्रिय आनंद है सुख है अच्छा लगता है और कभी न कभी जीवन में आपको आनंद मिला भी होगा ऐसा कोई अभागा नहीं है जिसे कभी सुख आनंद का अनुभव ना हुआ हो हम यहां वेदांत की सूक्ष्म बातों में उलझाना नहीं है क्योंकि वेदांत में सुख और चीज है आनंद और चीज है पर जो हमें सुख की या आनंद की अनुभूति होती है उसकी ही चर्चा कर रहे हैं जो आपके अनुभव में आता है किसी को धन पाते समय किसी को यश सम्मान मिलते समय किसी को काम सुख में किसी किसी को अन्य राजनैतिक कारणों से कुछ क्षण ऐसा सुख मिलता है जिसको हम बार बार पाना चाहते जैसे एक सुख का नमूना तो मिला पर टिकता नहीं बस यही हमारे जीवन के लिए प्रेरणा स्रोत है आनंद न मिलता आनंद की झलक न मिलती तो आनंद को बनाए रखने की हमको प्रबल आकांक्षा नहीं होती इसी तरह से जीवन हम सोचें हम क्या चाहते हैं इसी तरह जीवन हम जी रहे हैं इस समय किसी को शक नहीं है कि हम जी, जीवित हैं या नहीं कोई प्रश्न करेगा कि मैं जीवित हूं कि नहीं किसी डॉक्टर से पूछे आपको अपने जीने में कोई शक है सौ प्रतिशत आप सब लोग जानते हैं कि हम अभी जिंदा हैं पर जीते रहेंगे ये भरोसा नहीं है संदेह है इस बात में कि आगे क्या होगा अभी तो जिंदा है तो अभी जिंदा होना पर्याप्त नहीं है ऐसा मूर्ख आदमी हमें नहीं मिला जो अभी उसे शक हो जीने में जी रहा है पर जीना वो नहीं चाहता कि मेरा जीवन मिट जाए जीवन समाप्त तो हो जाए जीवन न रहे ऐसी इच्छा नहीं है उसको इच्छा है बना रहे बना रहे बना रहे, बना रहे, बना रहे. और बना रहने का कोई आसार भौतिक स्तर पर उसे नजर नहीं आता न साइंस से न योग की प्रैक्टिस से ध्यान रखें योग की प्रैक्टिस का अर्थ है आजकल जो जिसे विदेशों में योगा बोलते हैं विदेशों का योगा माने एक्सरसाइज फिजिकल शारीरिक पोस्चर बस यही योगा है ऐसे करना हो ऐसे करना ऐसे झुकना हो ऐसे स्वास्थ्य के लिए ठीक हैं पर इससे कोई अमर नहीं हुआ तो हम जीवन की झलक हम जी रहे हैं ये अनुभव हुआ पर जीते रहेंगे ये हमें पक्का नहीं है बल्कि ये पक्का है कि मर जाएंगे फिर क्या है चाहे हमें बुद्धू कहो चाहे बुद्धिमान कहो जब कोई जीने का आश्वासन देता है तो उन बातों का भरोसा कर लेते हैं लगन पक्की हो ना जिस चीज की हमें जरूरत हो जहां नहीं मिल सकती वहां भी ढूंढते हैं यूपी की तरफ एक कहावत है कि किसी की थाली खो गई तो वो घड़े में भी हाथ डाल के ढूंढ रहा अब घड़े में हो सकती है क्या कभी कभी नोट खो जाता है तो एक किताब को अपनी डायरी को दस बार देख चुकते हो फिर दख रख देते हो फिर सब जगह ढूंढ के फिर डायरी देखते हो ऐसा आदमी हमें नहीं मिला कि जो चीज खोई हो जिसको सौ बार देखा फिर देखता है शायद और बहुत बार उसी में मिल भी जाती है ऐसा भी देखा जिसको दस बार देखा नहीं मिला उसी में ग्यारहवें बार मिल गए तो हमको कोई विश्वास दिला दे कि तुम चालीस दिन मंदिर में जाओ फिर नहीं मरोगे तो चले जाएंगे फिर हमारे समाज नहीं रहेंगे कि हम मंदिर नहीं मानते हम अपनी कामना की पूर्ति में इतने अंधे हो जाते हैं कि चाहे ना भी पूरी हो कोई आश्वासन दे हम सब कर सकते गुरु बनाना पड़े गुरु बना लेंगे मंत्र जाप करना पड़े मंत्र जाप कर लेंगे किस लिए कि हम ना मरें और उपाय आपको जम जाएंगे चूंकि मरना तो तुम्हें लगता है पड़ेगा यदि कोई उपाय बताए तो आप करेंगे कोई ये कहे तुम नहीं मरोगे ये समझ नहीं आए देखो ध्यान रखना ये हमारे प्रवचन का मुख्य बिंदु है तुम सुखी होना चाहते हो सुखी रहने की कोई दवा देवे मंत्र बताएं आप करोगे और हम कहें दुख तुम में है ही नहीं तुम तो सुख के स्वरूप हो आनंद स्वरूप हो दुख का तुम में लेश नहीं है तुम नहीं मानोगे इसलिए वेदांतियों की कोई सुनता नहीं वो कहते दुख का तुम में लेस नहीं है और तुम में दुख रोज टकरा रहा है कैसे सुन लोगे वेदांतियों की तुम जानते हो कि हम मर जाएंगे वो कहते हैं तुम अविनाशी हो तुम्हें नहीं जमती हम इसलिए वो बातें खोलते हैं कि उस रास्ते से हम चले हैं लाख हम कहें तुम मरते नहीं हो अच्छा लगता है पर तुम्हें संतोष नहीं होता क्योंकि मरना तुम्हारा निजी अनुभव है तुम नहीं मरोगे केवल आश्वासन है समझ के बाहर है दुख तुम्हारे रोज के अनुभव है दुख का तुम में लेश नहीं है दुख का लेश नहीं यह तुमको समझ नहीं आएगा तुम में पाप पुण्य का स्पर्श नहीं है में पाप पुण्य छूता नहीं है ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप आप लिप्त हैं आप देखो आप में पाप पुण्य सुख दुख छूते हैं तुमको दुख न छूते होते दुख तुम्हें न छूते तो तुम यहां आते कोई ना कोई भय हमें सताता है चिंता सताती है हां तुमको एक ऐसी जगह ले जाया जाए तुमको शरीर से तो नहीं तुमको तुम्हारे ध्यान में वहां ले जाया जाए जहां दुख नहीं है बासी उस देश को जहां पार ब्रह्म का खेल दिया बले अगम का बिन बाती विन तेल अभी हम जीते हैं जितने तुमने दिए जलाए सब बुझने वाले हैं घरों पर भी मंदिरों में भी जो दिया जलाते हो दीपक जलाते हो जरा चूक जाओ बुझ गया कभी हवा का झोंका बुझा देता है हमारे इस जीवन की ज्योति का ये जीवन ज्योति है ये जीवन जग रहा है पर जीवन ज्योति को बुझाने वाले दुश्मन चारों तरफ समय बुझा देगा रोग बुझा देगा दुष्ट आतताई बुझा देंगे गलती से एक्सीडेंट में दिया बुझ जाएगा हमारा दिया जलता नहीं रहेगा इसलिए केवल आनंद में डूब जाना काफी नहीं है किसी को फांसी का आर्डर हो गया हो और ताश खेलने को कहो क्योंकि ताश खेलने से मन लग जाएगा थोड़ी देर को दुख भूल जाएगा तो समझदार आदमी कहेगा ताश खेलने से क्या होगा फांसी से बचने का कोई उपाय बताओ ताश खेलने पर मेरा मन लगेगा ना भी लगे ये हो सकता है लग भी जाए तो टाइम बर्बाद करना होगा कोई उपाय बताओ कि फांसी ना हो हमारी मृत्यु ना हो ऐसा कोई उपाय न कि आनंद एक मरने वाले का बेवकूफ कई तरह के मिलते हैं कई लोगों से पूछा जाए फांसी वालों से कि तुम्हें फांसी का समय है तुम तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है तो कई लोग यही कहेंगे मुझे पत्नी से एक बार मिल लेने दो अपनी अपनी इच्छा है कोई कहेगा मुझे फला से मिल लेने दो मां बाप से मिल लेने दो हमारा ख्याल ये है यदि मेरे को फांसी हो अब मेरे से जज पूछे कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है तब तो मैं कहूंगा अंतिम इच्छा तो यह है कि फांसी ना हो और तो इच्छाएं है ऐसी हैं तो वो ये कहेगा भाई फांसी को छोड़कर बाकी कुछ मांग लो तब तो मेरी इच्छा है कि फांसी देने वाला पहले ही मर जाए यद्यपि उससे मेरे को कोई फायदा नहीं है पर ये भी मनुष्य का है मेरी मृत्यु होनी हो मैं मनाऊंगा वो मर जाए अब उसके मर जाने से मेरा मरना बच जाए तब तो ठीक भी उससे क्या फर्क पड़ेगा यदि वो भी मर जाए जैसे कई लोग सोचते हैं मैं अकेला ना मरूं मरें तो सब मरें मैं अकेला क्यों मरूं मनुष्य अपने मन को टटोले मन में आया बस जीते रहे मन में आया खा लिया मन में आया सुख ले लिया मन में आया सो गए एक बार सत्य को खोज कर जियो प्रकाश में ज्ञान में जी ये ये क्या है आप कौन हैं सोचते नहीं अभी थोड़ी देर पहले सत्य प्रकाश जी बोल रहे थे शरीर मैं नहीं हूं इंद्रियां मैं नहीं हूं मन मैं नहीं हूं बुद्धि मैं नहीं हूँ। बात बिल्कुल सही है लेकिन ये कितने बार हम सुनाएं तो आप समझ जाएंगे कितने बार आपको ये सुनाएं कि आप समझ जाएं कि आप मन नहीं कैसे हमारी समझ में आए कि मन में नहीं हूँ कैसे समझ आए कि तन में नहीं हूँ ये जब तक मेरे ख्याल में ना जाए मैं तन हूँ ये मेरी समझ में आता है मैं तन नहीं हूँ ये समझ नहीं आता मन मेरा है मैं सुखी दुखी होता हूँ ये समझ में आता है मैं मन नहीं हूँ सुख दुख मुझे नहीं है ये समझ में नहीं आता जो गुरुओं ने अनुभव किया है वो हमें अनुभव कराना चाहते हैं केवल अनुभव बताना नहीं अनुभव कराना है इसीलिए किसी से हमने सुना था मुर्शिद वही है जो अशुदाय मंजिल कर दे वरना तो रास्ता हर शख्स बता देता है हम वहाँ पहुंच जाएं जहाँ मृत्यु नहीं है हम वहां जाएं जहाँ दुःख नहीं है हम वहां जाएं जहाँ अनेक नहीं है यहाँ अनेकता है यहाँ द्वैत है अद्वैत जहाँ दूसरा नहीं है मैं और वह मैं और यह मैं और तुम ऐसा यहाँ तक जगत में ही नहीं मेरे और मेरे भगवान में भी द्वैत ना हो एक आरती की लाइन बोलते हैं गुरु की आरती है मेरी नहीं है गुरु की आरती है अब जिसको जो याद होता है अपने गुरु के लिए गा देता है कई मेरे चेले भी गा देते हैं। आरती की लाइन है गुरु की कृपा से द्वैत दूर जिनकी कृपा से द्वैत दूर हो जिसकी कृपा से मेरे और अन्य में द्वैत नहीं रहता एक में एक आरती कुछ भक्त आज गा रहे थे उसकी एक लाइन है आत्मा को परमात्मा आत्मा परमात्मा को एक ही कर दिया आत्म परमात्म एको जानो आत्मा और परमात्मा एक आपको हो गया बस इतनी सी तो बात है आत्मा परमात्मा एक है क्या नहीं समझ आता आत्मा परमात्मा एक है यदि ये, ये आपका अनुभव है तो बात खत्म हो गई मैं और परमात्मा और मान लो मान लो तुम देह हो और हम कहें तुम परमात्मा हो तो मेरे ये कहने से कि तुम परमात्मा हो तुम्हारा मृत्यु बह जाएगा तुम कहोगे ये तो हम समझ गए कि हम हैं पर मरने का क्या होगा क्योंकि तुम अभी भी देह हो तुम कहते हो तुम भगवान को कहते हो ये राम भगवान है कृष्ण भगवान है यदि तुम इस तरह से मूर्खता करोगे कि तुम भगवान हो तो तुम्हारा रोना नहीं मिटेगा दुख नहीं मिटेगा तुम्हारा मरना नहीं मिटेगा तुम किसी ही मूर्ख गुरु को रोज कहो तुम तो साक्षात भगवान हो मूर्ख गुरु का है जान के तुम गुरु बना लो उनकी आरती करो तुम तो साक्षात भगवान हो जिसको तुम भगवान कहते हो वो तो मरेगा और गुरु भी समझेगा कि मैं मरूंगा कोई देह गुरु नहीं हो सकता कोई देह परमात्मा नहीं हो सकता कोई देह मृत्यु से बच नहीं सकता देह में प्रकृति का नियम लागू है इसलिए देह परमात्मा नहीं है जब कोई गुरु कहता भी है कि मैं ब्रह्म हूं तब तो तुम उसको देह मानकर उसकी बात सुनते हो कि ये अपने को ब्रह्म कहते हैं इतना मूर्ख गुरु नहीं हो सकता कि अपने को देह माने और कहे मैं ब्रह्म हूं। हो ही नहीं सकता और यदि इतना मूर्ख है तो उसके चेले मत बनना नहीं गुरु तो मरेगा ही तुम्हें भी ले डूबेगा तुम तो जाओगे ही सनम हमें भी ले डूबोगे जो मरता है वो ब्रह्म होता है जो पैदा होता है वो ब्रह्म होता है जो आता जाता है वो ब्रह्म होता है पहले ब्रह्म की डिफिनेशन फिर ढूंढो कौन है ब्रह्म फिर देखो तुम में ब्रह्म है कहीं जो आता जाता नहीं जो जगता सोता नहीं सब जगह जगना सोना है मरना भी है जगना सोना भी है मरना है जन्मना है बुढ़ापा है देह में जगना सोना है बुद्धि में अब इसके अलावा कोई है भीतर जो जगता नहीं सोता नहीं उसको खोजना है इसलिए डूबना है तो चल गहराई पर डूबना है जाना है खोजो जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ मैं बोरन खोजन गई रही किनारे बैठ मैं बोरन खोजन गई रही देह में बैठ छोड़ अंदर जा इसलिए डूबना है तो चल गहराई पर साहिल के लिए बेताब ना हो इतना जल्दी किनारा ढूंढने लगे इतनी जल्दी किनारा ना डूब कर किनारा मिलेगा डूबना है तो चल गहराई पर साहिल के लिए बेताब ना हो बेचैन ना हो चिंता न कर घबड़ा मत साहिल के लिए बेताब ना हो दरियाए समझ के दरियाए ज्ञान के दरियाए मोहब्बत के नादा कहीं किनारे होते हैं अभी देह का किनारा है तुम्हें अंदाज है देह का किनारा देह का किनारा है जागृत का किनारा है स्वप्नों का किनारा है नींद का किनारा है किनारा नहीं है आत्मा का आत्मा का ना प्रारंभ है ना आत्मा का अंत है वो खोजना है अनादि है अनंत है तुम प्रारंभ रहित हो और ये मरने के बाद समझना नहीं होगा ये हमें मालूम है कि मरने पर भी तुम मरोगे नहीं ये हमें पता है तुम नहीं मरोगे लेकिन ऐसे न मरने का दो कौड़ी लाभ नहीं है क्योंकि तुम तो मरोगे अपनी समझ में यदि मर गए तो बचना किसे बोलते हैं यदि आप मर रहे हैं आप मर जाएंगे आपकी समझ है कि हम मर जाएंगे तो बचना का मतलब क्या रह गया और तुम्हारी समझ में है कि हम नहीं मरेंगे सौ प्रतिशत तुम्हें है कि हम नहीं मरेंगे तो मौत क्या है तुम्हें मालूम है कि हम मुक्त हैं हम मुक्त हैं तो बंधन क्या है इसलिए श्लोक है मुक्ताभिमानी मुक्तो ही बद्धो बद्धाभिमान्यपी किम बदंती ये सत्ययम या मती सागतिर्भवित जिसकी जैसी मति उसकी वैसी गति आप नहीं मरेंगे ऐसी मति है नहीं है मरेंगे ऐसी मति तो जिसकी जैसी मति उसकी वैसी गति जो समझ में मरेंगे वो मरेंगे जो समझ में बंधन में है बंधन में समझ में मुक्त है क्या समझ में दुखी हो दुखी हो तुम्हारी समझ ही तो तुम्हें दुखी किए हैं ऐसा व्यक्ति जो अपनी समझ में दुखी नहीं है हम भगवान की नहीं कह रहे गुरु की नहीं कह रहे तुम्हारी कह रहे ऐसा व्यक्ति जो अपनी समझ में संतुष्ट है ऐसा व्यक्ति जो अपनी समझ में अब कुछ होने की लालसा नहीं रही राजा महाराजा इंद्र देवता कुछ होने की वासना नहीं होने की इच्छा नहीं है ये सब होना खेल लगता है बेकार लगता है बेकूफी लगती है जिसकी बुद्धि में कुछ बनना कुछ होना बाकी नहीं है भगवान कृष्ण जरूर कहते हैं कि मुझे कुछ पाना बाकी नहीं है यदि उनकी बात समझ में किसी भाग्यशाली को आती हो यदि भगवान कृष्ण को वैसे बहुत झूठा है भगवान पर गीता नहीं झूठ बोलते वो सच बोलते युद्ध के मैदान में झूठ बोलना जायज है तुम्हें भी कहता हूं रण चढ़ करिए रण चढ़ करिए कपट चतुराई रिपुस दया परम कदराई इससे ज्यादा मूर्खता नहीं है जानते हो हमारे देश में बड़े वीर हुए हैं पृथ्वीराज चौहान पर मूर्ख थे मैं नहीं कह सकता कि वह बुद्धिमान थे वीर होना अलग है बेवकूफ ना होना दूसरी बात है तुम रण में चढ़ करके चतुराई नहीं करोगे तो रण चढ़ करी ये कपट चतुराई तो भगवान कृष्ण सूर्य को ढाक देते हैं प्रतिज्ञा छोड़ देते हैं बहुत साल भारत पंचशील का नियम मानता चला गया पाकिस्तान हमारी छाती पर मूंग डलता है इसको मैं बेकूफी मानता हूं इसलिए रण चढ़ करिए कपट चतुराई कृष्ण वहां झूठ भी बोलते हैं सूर्य भी ढांकते हैं पर जब तुम्हारे उद्धार की बात करते हैं तब झूठ नहीं बोलते तब चतुराई नहीं दिखाते तब वो सत्य बोलते हैं वो कहते हैं मुझे अपने लिए कुछ पाना बाकी नहीं मुझे पता है कि चार दिन को आया हूँ चला जाऊंगा यहाँ मुझे रहना नहीं यहाँ राज्य नहीं करना मुझे कोई स्वार्थ नहीं है मुझे कुछ मुख्यमंत्री बनने का शौक नहीं है मैं मुख्यमंत्री बनकर प्रधानमंत्री बनकर देश की दुर्दशा कराने का मेरा कोई इरादा नहीं है मैं कुर्सी से चिपकने की आदत नहीं रखता मुझे आज जाना पड़े चला जाऊंगा और वैसे भी भगवान का नाम रण छोड़ भी है छोड़ देते हैं बेवकूफ नहीं है कि ऐसे गोली खा ले अरे नीचे झुक जाओ गोली ऊपर से निकल जाए लेट जाओ दुश्मन मारने के लिए आए हो कि मरने के लिए आए हो मर जाने को तैयार रहना चाहिए पर बिना मारे मरना क्यों जब तक हम सिरे काम न चढ़ा दें हनुमान जी कहते हैं हा राम काज कीने बिना मोही कहा विश्राम मैं राम का काम करके आराम करूंगा राम का जब तक काम नहीं मुझे चैन नहीं भगवान कृष्ण को चैन नहीं है वैसे मुक्त है कोई इच्छा नहीं पर जो काम चुना है उसके लिए झूठ बोलना है चक्र उठा लेना है सूर्य ढांक देना है झूठ बोलवाना बोलने नहीं बुलवाना युधिष्ठिर नहीं बोल रहे धर्मात्मा है ये धर्मात्मा भी बहुत जगह बड़े खतरनाक होते तुम नरक को डरते रहे सारी सारी धरती नरक चली गई यदि भगवान न होते तो युधिष्ठिर भी नरक ही पहुंचाते देश को भगवान कहते हैं ऐसे सत्य को धरो ये आतताई तुम पर हावी हो रहे हैं तुम सत्य लिए बैठे हो कहते नहीं हम झूठ नहीं बोलेंगे तो उन्होंने कहा स्वस्थ मरा है ये झूठ है क्या अस्व तो मरा है कहते हाँ ये तो कहने इतना कहो अश्वत्थामा मरा आगे हम देख लेंगे तुम कहो तो इतना आ, सब जानते हो ये कृष्ण की बात बोलता हूं कृष्ण जैसा आध्यात्मिक पुरुष और सृष्टि के रहस्य को समझकर कैसे देश को चलाना समाज को चलाना राष्ट्र का भला करना कृष्ण से सीखना चाहिए भगवान कहते हैं अब देखो यहां मैं मानता हूं भगवान झूठ नहीं बोलते भगवान कहते हैं तीनों लोकों में मुझे कुछ अप्राप्त नहीं है और कुछ भी ऐसा अप्राप्त नहीं जिसके लिए मैं कर्म करूं मुझे अपने लिए न मौत है जिससे बचने के लिए डरू डरूं भाग जाऊंगा मरने से नहीं डरता इसलिए कि मैं शरीर मेरा शरीर नष्ट होगा तो काम ढीला पड़ जाएगा इसलिए अभी नहीं मरना मरना है मैं डरता वरता नहीं हूं मैं डरपोक नहीं हूं कायर नहीं हूं आप समझोगे कायर ही भगते हैं समझदार वीर भी भगते हैं और भागना चाहिए गुरु गोविंद सिंह जी क्यों वहां से निकले और जगह क्यों गए दूसरे प्रांतों में क्यों गए डरपोक थे कायर थे नहीं मरने से उन्हें डर नहीं है पर ऐसे मर जाएं बिना काम किए वो बेकूफ होते हैं हम जिस लिए आए हैं वो सक्सेस हो सफल हो भगवान कृष्ण एक उद्देश्य लेके काम कर रहे हैं। यदि उन्हें भगना पड़े तो भगेंगे पर कृष्ण कोई कायर कहलाएंगे भगवान कृष्ण की इस बात पर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं कि मुझे कुछ पाना नहीं आप अंदर टटोल के कहो आपको कुछ पाना है कि नहीं बस इतने के लिए भूमिका बना रहा हूं तुम्हें सत्ता में जाके कुछ पाना है कि नहीं तुम्हें पाना ना हो काम करने के लिए तुम सत्ता में जाओ बूथ कैप्चरिंग करो लूट मार करो पर यह बता दो सौगंध करो कि तुम्हें कुछ नहीं चाहिए तुम पूर्ण निस्वार्थ हो ये दावे से कह सको बस मैं आज छूट दूंगा उद्देश्य के लिए तुम्हें झूठ बोलना पड़े छल करना पड़े एक बार कोई बूथ कैप्चरिंग करके तानाशाही से भी देश का भला कर दे तो मैं पहला व्यक्ति हूं जो समर्थन करूं तुम चुनाव से ही जीत करके न्याय से जीते कानून से जीते किया क्या देश को लूटते ही तो रहे किया करते क्या हो अपने को ही तो बनाने में लगे हो अपनी छवि बनाने में अपनी सत्ता बचाने में कर क्या रहे हो ईमानदारी से देश को खा रहे हो बस तो यही ना मतलब संविधान के अनुसार चुनाव जीत के खूब देश को खा रहे हैं यही ना मतलब संविधान के विपरीत जीत करके यदि भला कर दोगे तो संविधान वालों से असंविधान वाले को मैं अच्छा मानता हूं कृष्ण ने संविधान तोड़ा पर क्या बुराई की संविधान तोड़ दिया नियम तोड़ दिया सूर्य ढाक दिया प्रतिज्ञा छोड़ दी पर एक बात की वो सत्यता कर सकते हैं कि मुझे कोई स्वार्थ नहीं यदि इनके मनों पर तुम्हारे मनों पर दूसरे को छोड़ो तुम्हारे मनों पर स्वार्थ लगाऊं तो किस लिए लगे हो धनी बनने के लिए क्यों क्या हो जाएगा धनी बनकर किससे बड़ा बनना चाह रहे हो खोपड़ी से निकाल दो फिर खूब धन कमाओ बुरे बुरा नहीं पर तुम अभी अपने बनने के लिए लगे पड़े हो सुबह से शाम तक अपने को संवार रहे हो अपने को बना रहे हो अभी बनने की ललक पूरी नहीं हुई अभी जो कुछ हो उसमें छाती ठंडी नहीं है तुम जहां हो वारशाह कुछ नहीं होना कुछ नहीं चाहिए मुझे मुझे तो कुछ देना है मुझे देने का अवसर मिले गुरु महाराज कुछ लेने नहीं आए ज्ञान देने आए हैं समाज को दिशा देने आए हैं उसके लिए जो कुछ होगा राजी है हम राजी हैं उसी में हाँ ये राजी होना कितना कठिन है आप राजी हो ना हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है यहां यूं भी वाह है यहां यूं भी वाह वाह है वो भी वाह वाह है है वाह वाह हम राजी हैं नहीं है हम ना राजी हैं ना हम ज्ञानी हैं ना हम ए, एक बार तो तुम हाँ, अभी कई बार गीत आता है एक बार ये कह दो हम तुमसे भी कहेंगे एक बार तुम कह दो हमें कुछ नहीं चाहिए कहो दिल से कि नहीं चाहिए हम शरीर धारण किया है यहां काम के लिए हमने शरीर यहां काम के लिए प्राप्त किया है कुछ लेने नहीं आए और लेके जाएंगे नहीं क्या लेके जाएंगे इतना तो समझो कि हम यहां काम करने को भगवान ने भेज दिया अकाल पुरुख ने भेज दिया गुरु गोविंद सिंह जी क्यों आए कहते अकाल पुरुख ने भेजा है उसके हुक्म से आए हम अपनी कोई वासना लेके नहीं आए और उसके हुक्म के लिए लड़ेंगे मरेंगे करेंगे और जब उसका हुक्म होगा वापस जाएंगे हम रहने भी नहीं आए आप आप बस आपका दिल आपकी बुद्धि कह दे कि हम उसके हुक्म से आए हैं हमारी कोई अपनी योजना नहीं है उसकी योजना के तहत आए हैं वो जैसा हमें हिलाएगा हम हिलेंगे हम कुटपतली हैं कटपुतली है उसकी वो जैसा नचाता है नचते हैं वो कराता है करते हैं रखेगा रहेंगे वापस खेल बंद करेगा बैठ जाएंगे हाँ ये मुक्त मुक्ति कोई तोते नहीं प्राप्त करते मुक्ति एक समझ का नाम है मुक्ति एक अंडरस्टैंडिंग का नाम है मुक्ति एक स्थित प्रज्ञता है स्थित प्रज्ञ स्थिर मति एक सोच है मुक्ति मुक्ति कोई बाजार में स्वर्ग में किसी लोक लोकांतर में नहीं रहती ज्ञानी कहेगा यदि कोई स्वर्ग है तो इनको भेज दो ये तरस रहे हैं सत्ता में इनको भेज दो ये बेचारे भूखे मर रहे हैं कुर्सी कभी नहीं नसीब हुई इसलिए इसी के लिए मरे जा रहे हैं इतना बड़ा कीमती जीवन जो समझ कीमती है भगवान ने तुमको एक समझ दे के भेजा था कि समझ के द्वारा तुम निश्चिंत और निर्द्वंद होकर जियो और हो सकते हो पर वो दिमाग वही ये बिगड़ जाएगा ये मेरा है ये तेरा है क्या तेरा है तू कमरे में घुस के बैठा रहे तब भी हो जाना है वही तू कितनी चिंता कर वही होना है होता वही है हाँ ये ये बात तुम्हारी समझ में आ गई होता है वही जो मंजूर है खुदा होता है मुद्दई लाख चाहे अब लाख चाहने वाली श्रेणी में तो तुम नहीं हो ना मुद्दे लाख चाहे तो क्या होता है तो जब होता ही नहीं कहे मरे जा रहे हो आ, तुम निर्द्वंद हो एक दिन जी एक दिन भी जी एक दिन भी जी मगर तू ताज बनकर जी अमर गुणगान बनकर जी अटल विश्वास बनकर जी तू मत पुजारी बन स्वयं भगवान बनकर जी मुक्त होकर जी निर्द्वंद हो, हो जाऊंगा कोई ले जाएगा कहां जाएंगे फलाना होगा कहां जाएंगे जगह कहां है जो और कहीं चले जाओ या यहां रहोगे वहां जाओगे और कहा चिंता करता है ना समझ व्यक्ति इसलिए कई बार हमने देखा वेदांत पढ़ के भी लोग मुंह रखे ही रहते हैं वेदांत तो कोई ज्ञानी बनाता है क्या ज्ञानी बनना चाहो तो बन सकते हो नहीं वेदांत तो पढ़ के भी बुद्धू बने रहोगे कितने हमने वेदांती देखे एक मेरे गुरु भाई थे गुरुदेव जी का शरीर छूट चुका था मंदिर बन रहा था तो हमने सहज पूछ लिया कि आप वृद्ध थे हमने कहा आपका शरीर छूट जाए तो क्या करेंगे समाधि दें कि जल कहते अभी हम शरीर नहीं छोड़ेंगे अभी हमारी इच्छा नहीं है अभी हमारा संकल्प है जब मंदिर बनेगा तब छोड़ेंगे तो हमें क्या पीछे पड़ते कि तुम बताई दो हम भी चुप हो गए कि चलो जब बनोगे पर मैं सोचना शुरू किया कहते अभी हमारा संकल्प नहीं है शरीर छोड़ने का हमने सोचा इनका संकल्प नहीं इनको डायबिटीज हो गई संकल्प से डायबिटीज हुई बिना संकल्प के बुढ़ापा आ गया जवान बने रहने की कोशिश की बुढ़ापा चढ़ाया इतना सब बिना संकल्प के हो गया अब ये मरेंगे जब संकल्प करेंगे तब मरेंगे ये वेदांत पढ़ के सब हमारी इच्छा से होता है ये वेदांति पढ़ाते हैं ना सब संकल्प से होता है सारी संकल्प की दुनिया है अब ये टीचर की बात बोलता हूं जो गुरुजी थे जो पढ़ाते थे समाज को मैंने कहा जब इन्हीं को अकल नहीं था या किसको पढ़ाएंगे हम ये नहीं मानते कि तुम्हारे संकल्प से दुनिया चलती है हम ये मानते हैं संकल्प के पीछे कोई सत्य है संकल्पों की भी यश सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता जिसके सभी कर्मों के आरंभ बिना कामना बिना संकल्प के होते हैं जैसे पत्ते आंधी आती है पत्ते उड़ते हैं हवा चलती है बादल इधर के उधर ज्ञानी का क्या चुनाव ज्ञानी की क्या इच्छा रहूं कि न रहूं इसलिए ज्ञानी के लिए शत्रु और मित्र बराबर हो जाते हैं क्या करेगा शत्रु शरीर छूट नहीं इससे ज्यादा तू करेगा क्या आखिर दुश्मनी से क्या करेगा शरीर ही छुड़ाएगा तो तो रोड में एक्सीडेंट से जा सकता है हार्ट फेल हो सकता है पेड़ की डाल टूट के गिर सकती है दीवार गिर सकती है अन्य कोई कारण से शरीर छूट सकता है इसके लिए हम गिन... क्या सोचें कैसे मरेंगे शरीर छूटेगा चाहे जैसे छूट जाए ज्ञानी का ये चुनाव नहीं रहता कि मैं गंगा किनारे मरूं कि कहां मरूं यह भी चुनाव ज्ञानी का नहीं रहता ये तो अज्ञानी का चुनाव है यहाँ न मरुँ वहाँ मरु एक कामना लिए ही रह गया इतना चुनाव रह गया यहाँ न मरुँ वहाँ मरु अरे कहीं शरीर छूट जाए हम राजी हैं हमारा कोई निर्णय नहीं कहाँ शरीर छूटे ये तो अज्ञानी का है संसारियों का है कि चलो फलां की याद रहे जब शरीर छूटे सांवरा निकट हो जमुना जी का तट हो और फलाने का बट हो जब प्राण तन से निकले ये दुनियादारों से तो बहुत अच्छा है कम से कम स्त्री का स्मरण करते रुपया गिनते तो शरीर नहीं छोड़ा भगवान की याद करते बाकी ज्ञानी को भगवान क्या और संसार क्या किसकी याद करना किसकी नहीं करना ये चुनाव खत्म हो जाता हाँ निर्द्वंद होकर जियो मुक्त होकर जियो क्या याद ये इसकी याद करूं कि उसकी इतना काहे को बखेड़ा दिमाग में रखा है शरीर छूटने वाला है और मैं कौन हूं ये जान लिया है कुछ गड़बड़ नहीं याद करूं कि ना करूं इसलिए ये संकल्प भी कि शरीर ऐसे छूटे पैर किधर को हो हाँ। किस किस दिशा में सूर्य उत्तरायण हो कि दक्षिणायन हो आइए ये एक अच्छी बात तो है पर ये भी ज्ञानी कितने ज्ञानियों का दक्षिणायन में उत्तरायण में कब शरीर छूटता है फिर ज्ञान का क्या लाभ कबीर साहब जैसे लोगों ने कहा जब ये अस्वस्थ थे तो वो मगहर गए तो कहते हैं कि तुम मगहर में मरोगे सारे जीवन से ही काशी सारे जीवन तो तुम काशी में रहे मरते समय मगहर चले गए तो कबीर साहब कहते हैं यदि वहां मरने से मुक्ति होती है तो राम नाम की कीमत क्या है यदि वहीं मरना है तो सबको उधरे ले चलते हैं वहीं मरें काशी में मर जाए ज्ञान की न जरूरत न ना राम नाम की जरूरत और राम नाम से यदि मुक्ति होती है तो राम को हमने पाली हमारी मुक्ति हो गई चाहे मगहर में मरें चाहे कहीं गंगा किनारे कहीं मरते रहे राम नाम से मुक्ति है ज्ञान से मुक्ति है कि जगह से और यदि ही पहुंचाने से मुक्ति होती है बहुत गाड़ी चलती है ना फूलों वाली हाँ वो फूलों वाली जाती है तरने के लिए ठीक है जिनको ज्ञान नहीं ध्यान नहीं प्रभु का सुमिरन नहीं कम से कम हड्डिया गंगा में पहुंचा दे बुरा नहीं है बहुत अच्छा है पर कोई ज्ञानी कहेगा मेरी हड्डियां वहां पहुंचा देना जब मदन मोहन मालवी जिन्होंने विश्वविद्यालय वाराणसी में बनाया तो अस्वस्थ थे शरीर छूटने की स्थिति आई लोगों ने कहा यह काशी के बाहर है ये विश्वविद्यालय काशी क्योंकि ये सीमाएं भी बढ़ा लेते हैं लोग अब जानते हो धीरे धीरे रुड़की तक हरिद्वार हो जाएगा हाँ तो वो कौन बीच में से कस्बा आता है बहादराबाद बहादराबाद अब ये कुंभ क्षेत्र में पुण्य क्षेत्र में आ जाएगा सरकार बना ले तो पुण्य क्षेत्र हो जाएगा भीड़ ज्यादा हो तो कहते हैं वहां तक नहाने में हाँ पुण्य मिल जाता है ये तो तुम तो कानून बना लेते हो भौनुओं के लिए तो ठीक है दिल के बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। तुम्हें संतोष हो जाए जहां मरने से वहीं मर लो हमें तो मरने वाला मैं नहीं हूं इस समझ में मोक्ष है कहीं मरो कहीं जियो कहीं शरीर छूटे क्या ठिकाना कहां शरीर कोई चुनाव नहीं तो मदन मोहन मालवी से किसी ने कहा काश्याम मरणान मुक्ति काशी में मरने से मुक्ति होती है क्रांतिकारी लोग थे क्रांतिकारी काश्याम मुक्ति, तुम्हारा ये क्षेत्र काशी के बाहर है तो कहते मुझे मुक्ति नहीं चाहिए हाँ। आप कह सकते हो खाट में पड़े हो मरने का समय हो कि तो मुझे मुक्ति नहीं चाहिए इसका मतलब वो नास्तिक नहीं है यह ध्यान रखना जो मुक्ति को इंकार कर सकता है इसका मतलब वो मुक्त है उसको चाहने वाली मुक्ति नहीं चाहिए ना समझो कि मुक्ति कह अब अर्जुन कहता है मैं लड़ूंगा तो नरक चला जाऊंगा भगवान कहते हैं ऐसे तुम अपने कर्तव्य का पालन करने में नरक चले जाओगे बुद्धू तू समाज और धर्म के लिए लड़ रहा है तुझे पाप लग जाएगा तभी अच्छा मैं इंतजाम कर देता हूं तेरे पाप करने का गीता इसी खोपड़ी का इलाज है हाँ ऐसी खोपड़ी जो कॉम्प्लेक्स ग्रंथियों में जकड़ी है काम करेंगे अच्छा काम करते पाप ना लग जाए इधर को पैर हो गया उधर का ये हो गया अब क्या मेरा बनेगा एक माता मिली नाच सिनेमा वाली नाच सिनेमा है जलंधर में मैं फगवाड़े में रहता था उन दिनों वो वहाँ से प्रवचन सुनने आती थी कार में तो एक माता को इतना पाप लगता था कोई रास्ते में मंदिर दिखा यदि उतर के नमस्कार नहीं करे कार में चली आई तो पाप ट्रेन में जा रही है ट्रेन कैसे रुकेगी कि तुम रुक के प्रणाम कर लो तो उसे पाप लग जावे हमने कहा माता जी सारा पाप तुम्हें को लग जाता है ये हिंदू को पाप बड़ा लगता रहता है अर्जुन भी शिकार है उस बात का युधिष्ठिर भी झूठ नहीं बोले मैं नहीं कहता झूठ बोलो मैं सत्य बोलने की बात कहता हूं पर एक सत्य तुम्हारे कि तुम मुक्त हो तुम निर्दोष हो तुम निष्पाप हो तुम्हें कोई मजबूर करता है सामने वाला तो तुम उसकी आरती करते रहोगे यदि पाकिस्तान बार बार चुनौती खड़ी करता है तो कब तक तुम उसकी आरती उतारोगे सेवा कर दो अच्छी तरह बात खत्म हो जाए ये सब सोच अज्ञानियों की है ज्ञानी पुरुष निश्चिंत तो होता है मरना पड़े मर जाएंगे क्या है वैसे कौन ना मरोगे बताओ अच्छा युद्ध नहीं करोगे तो बच जाओगे तो क्यों ना वीर गति को प्राप्त हो कुछ करके मरो जब मर नहीं है ये तो खाट में और कमरे के भीतर घुस जाओ और वहां भी जाके कोई तुम्हें गोलियों से भून दे अब फिर तुम कहां बचोगे अच्छा मरने से बचने का उपाय हो तो तुमको भी हम कह देंगे कि तुम युद्ध मत करो बच जाओगे तो आपका शरीर अच्छे काम में लग जाए धन कितना ले जाओगे तो अच्छे काम में लग जाए इसलिए नहीं कि मैं धन दूंगा तो मुझे स्वर्ग में रिजर्वेशन हो जाएगा कमरे का मुझे वहां भी कमरा नहीं चाहिए मेरी समझ में स्वर्ग है मेरी समझ में शांति है मुझे कोई कमरे की जगह की जरूरत नहीं है और नासमझो को नरक जाना थोड़ी पड़ता है नरक तो लोग अपनी समझ में साथ रखते हैं अस्वर्ग हमारी समझ में मुक्ति तुम्हारी समझ है तुम कहाँ ढूंढते हो भगवान तुम्हारे साथ है ये नासमझ वहां रहता है वहां जाएंगे वहां भगवान मिलेंगे जब स्वामी राम कहते हैं अब न कर पर्दा हाँ स्वामी राम कहते हैं अब बहुत पुरानी बात हो गई पहले वाले अब दोनों नहीं रहे वर्तमान में जिनका हॉस्पिटल है देहरादून के रास्ते में वो भी नहीं रहे बड़े योगाभ्यासी थे उन्होंने हार्ट गति बंद की थी दस सेकंड को कहा था पंद्रह सेकंड तक मशीनें लगी रही हार्ट की गति नहीं पर उनका भी शरीर नहीं रहा बड़े बड़े चमत्कार कर लो उड़ जाओ अब चिड़िया उड़ती हैं तो मरती नहीं ना यदि तुम भी उड़ने लगोगे फिर नहीं मरोगे अच्छा बिल्कुल सज्जन लोग तो नहीं मरते तो क्या है ना सज्जन ना दुष्ट तुम्हारा कोई चुनाव नहीं भगवान यदि हमें चुनौती कोई देता है तो देख लेंगे अपना इसलिए कायर बन के भी नहीं जियो आतताई भी मत बनो बुरे भी नहीं बनो पर भगवान कृष्ण कोई बुरे हैं क्या पर जब वो सामने वाले षडयंत्र कर रहे हैं आ, कहीं जुए के बहाने कहीं किसी तरीके से और पांच गांव देने को तैयार नहीं पांच गांव की अपील देखो तो कहते सुई की नोक भर न दूंगा लो दुष्टता की आप सीमा है? सुई की नोक भर जमीन नहीं देंगे तो कहाँ जाएंगे तो फिर भगवान कृष्ण कहते हैं हम कुछ करेंगे यह सोचने का नजरिया अब पहले देश बट गया सब कुछ हो गया अभी भी उपद्रव अब धीरे धीरे कश्मीर भी काफी यहां तक आ गए जम्मू तक आ गए वो एरिया छूट गया सब भाग आए कल जम्मू से भाग आओ पठानकोट चले आओ ऐसे भगते ही जाओ और करोगे क्या आता क्या है भगने के सिवा तुम भागना भी यदि तुम्हारा कृष्ण की तरह होता कि हम भग करके धीरे से कुछ करने वाले हैं तो, तो बात समझ में आती तुम निहत्थे रहने के लिए विश्व के सामने रिकॉर्ड बनाते और समय पे जरूरत पड़ती तो तमाशा दिखा देते तो हम समझते कि तुमने गीता पढ़ी है कृष्ण को कुछ समझा है तो तुम ना अपने धर्म ग्रंथ समझो बुरा नहीं मानना आ, हम चाहते हैं कि ये धरती के लोग गीता पढ़े रामायण पढ़े गुरुवाणी पढ़े गुरु ग्रंथ साहब पढ़ें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अब वो अच्छा है मैं ये नहीं कहता कि अलग नहीं रखो दशम ग्रंथ को आ, दशम गुरु जी की वाणी को गुरु ग्रंथ साहब से बाहर रखो कोई बात नहीं है पर महत्व तो है जिनके चलाए तुम सिख हो जिनके बनाए तुम हो उनके ग्रंथ से इतना परहेज क्यों है ये जामा किसने पहनाया अमृत किसने छकाया उनकी वाणी का पाठ उसकी वाणी का चिंतन उसकी वाणी की समझ उनके उद्देश्य को समझो और निश्चिंत तो होके जियो अच्छा हम तुम्हारे साथ हैं अच्छा चिंता करेंगे तो क्या होगा फिर बुढ़ापा नहीं आएगा कि समझ क्या है तो कम से कम आ, या तो तुम मुकाबला करो